हेलो फ्रेंड्स, मैं गोपाल सिंह, मेन फैकल्टी, कृष्णा ऑटोमेशन, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट। आज हम स्काडा में एनालॉग और डिजिटल दोनों तरह से फैन को कंट्रोल करेंगे, जिसमें डिजिटल में स्विचिंग देंगे और एनालॉग से हम उसको स्पीडली कंट्रोल करेंगे। ठीक है, तो हम इसको पहले स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम एनालॉग के लिए बाहर से सिग्नल नहीं लाएंगे, हम यहीं पे विजार्ड में जाके और ये स्लाइडर लेंगे। ये स्लाइडर है, हमने वर्टिकल स्लाइडर ले लिया और यहाँ पे वर्टिकल स्लाइडर हमने लगाया। ठीक है, और ये लेके हमने इस पर डबल क्लिक किया। अब स्लाइडर बेसिकली ये हमने एनालॉग के लिए लिया है, तो एनालॉग के लिए हम इस पर सिग्नल देंगे। ठीक है, एनालॉग हमने लिया, एनालॉग के लिए A1। तो मैं आपको बता दूं, टैग नेम जो हम देते हैं, टैग में पहले अल्फाबेटिक देते हैं, बाकी आगे कुछ भी हम दे सकते हैं। पहला करेक्टर अल्फाबेटिक होता है, एनालॉग लेना है तो हमने A1 इसको एड्रेस दे दिया और इसके बाद हमने इसको ओके। ठीक है, अब हम डिजिटल के लिए अगेन हम विजार्ड में जाएंगे। देखो ये विजार्ड, यहाँ पे हमने क्लिक किया। अब हम बटन्स लेंगे, तो बटन्स पे ये बटन है, यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। ये बटन हम यहाँ से ले लेते हैं और यहाँ पे हम बटन्स लगा लेते हैं। ठीक है, और इस बटन का साइज थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं और थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। ठीक है, अब हम इस पे भी एड्रेस दे देते हैं। यहाँ पे टैग है, टैग में सबसे पहले अब डिजिटल है ये, तो हम यहाँ पे दे देंगे डिजिटल के लिए हम देंगे D1। ठीक है, सेट कलर ग्रीन है, ओके, रीसेट कलर रेड है। ठीक है, और इसको हमने ओके कर दिया। ठीक है, और एक हम इसके लिए इंडिकेटर ले लेते हैं, तो इंडिकेटर बाद में ले लेंगे, पहले हम फैन ले लेते हैं। विजार में अगेन जाके और हम सिंबल फैक्ट्री में जाएंगे। देखिए नीचे से 5 होती है सिंबल फैक्ट्री, सिंबल फैक्ट्री में जाके हम इस सिंबल ले लेंगे। यहां से इसको डबल क्लिक करेंगे और यहां पर हमारा ये फैन आ गया। तो यहां पे हमको ब्लोअर चाहिए, तो फैन हम यहाँ पे ये फैन ले लेंगे। ठीक है, हमने फैन ले लिया, अब इसका साइज हम बड़ा कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, अब ये जो सेल है, सेल को पहले हम ब्रेक करेंगे, क्योंकि हमको मूवमेंट केवल ये फैन कराना है। ये बॉडी, ये जो है ना ऊपर आगे ये पार्ट है, बॉडी पार्ट ये नहीं कराना, तो हमको फैन को लेके फिर इसकी एड्रेसिंग करनी पड़ेगी, तो फैन को बाहर निकालना पड़ेगा। इसके लिए सबसे पहले हम सेल सिंबल आ रहा है, सेल सिंबल को हम ब्रेक कर लेते हैं, क्योंकि सेल्स को ब्रेक नहीं करेंगे तो बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है, अगेन फिर हम राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके सिंबल सेल सिंबल में जाएंगे और ये ब्रेक सिंबल लिखा है, हम इसको क्लिक कर देंगे। ठीक है, अब हम फैन को सेलेक्ट कर लेंगे, केवल अंदर वाले फैन। ये हमारा फैन सेलेक्ट हो गया और यहाँ सेलेक्ट करके बीच में यहाँ से पकड़ के और इसको हम ले जाएंगे साइड। ठीक है, अब हम इसको साइड में ले जाके यहाँ जाके और राइट क्लिक करेंगे, तो सेल सिंबल में जाके मेक, यहाँ पे आएगा मेक सिंबल। तो फ्रेंड्स, मेक सिंबल हम क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आप देखो ना, यहाँ पे केवल इतना सेलेक्ट है, इतना पार्ट। अब हमको ये पूरा फैन सेलेक्ट करना है, हमको पूरा फैन सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे अब हम इसको पहले सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके ये विंडो आएगी, यहाँ पे सेल सिंबल में ना, यहाँ पे मेक सिंबल। ठीक है, अब ये देखिए पूरा सेलेक्ट हो गया,
ओके। अब यहां पे सेलेक्ट करने के बाद अब हम लेफ्ट क्लिक करके ये विंडो हमारी आ गई प्रॉपर्टी वाली, तो इसमें ओरिएंटेशन लेंगे। ओरिएंटेशन में हमारा A1 और D1 एनालॉग भी और डिजिटल भी दोनों है, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 100 का स्केल है, ये 100 का स्केल है आपका, और क्लॉकवाइज रोटेशन 360, और इसको हम ओके करेंगे, ठीक है। इसके साथ हम एनालॉग सेलेक्ट करेंगे, एनालॉग में जाके ये A1 है हमारा, A1 सेलेक्ट है, तो A1 हमने एनालॉग के लिए लिया है, और ये हम इसको ओके कर देंगे। इसके साथ हम फिल कलर में डिस्क्रीट में जाएंगे, यहां सेलेक्ट करेंगे और डिस्क्रीट को क्लिक करेंगे, तो D1 डिस्क्रीट के लिए हमने D1 लिया है, ठीक है। और ट्रू कलर हमारा ग्रीन है, क्योंकि ग्रीन ही होना चाहिए, ठीक है। और ऑफ कलर हमारा रेड है, तो यहां पे कलर चेंज कर सकते हैं, बट हमारा रेड है तो हम इसको रेड ही रखेंगे, ठीक है। और इसको हमने ओके कर दिया, अब हमने फाइनली ओके कर दिया। इस पे हम हमारा टैग एड्रेस हो गया, डिजिटल और एनालॉग दोनों के लिए हो गया, ठीक है। अब हम इसको सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करके अब इस पे हम राइट क्लिक करेंगे, सेल सिंबल में जाके मेक सिंबल करेंगे, और अब यहां से इस फैन को उठा के वापस हम इसमें अंदर लिया, ठीक है। अब यहां पर राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके बैक फ्रंट पर जाएंगे, सेंड टू बैक, अब ये हमारा फैन आ गया, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम किसका ठीक है, अब ये फैन हमारा हो गया। अब इसको हम रन टाइम में जाएंगे, रन टाइम में कन्वर्ट कर दिया, अभी ग्रीन है ये, रेड बटन दबा दिया। अभी क्या है कि स्लाइडर को हम नीचे लाएंगे, तो फ्रेंड्स ये जो स्लाइडर है ये एनालॉग के लिए है और ये डिजिटल के लिए, ठीक है। और ये हमारा फैन है, अब देखो हम फैन चलाएंगे, तो फैन को अगर हम ऑफ रखते हैं तो स्लाइडर से कोई भी फैन में मूवमेंट नहीं आ रहा, देखो स्लाइडर चल रहा है बट फैन रोटेट नहीं हो रहा, क्योंकि अभी डिजिटल में हमने इसे ओके नहीं किया, डिजिटल में इनेबल नहीं हुआ। अब हम इसे इनेबल कर देंगे तो ये कलर ग्रीन हो गया, अब हम स्लाइडर से इसे चला सकते थे, अब ये स्लाइडर से मूवमेंट ले रहा है, ठीक है फैन, ये देखो, ठीक है ना। अब हम इसे फिर वापस रेड कर देंगे, तो रेड करने के बाद, ऑफ करने के बाद, स्टॉप करने के बाद, अब आप देखें स्लाइडर काम नहीं कर रहा, नहीं कर रहा ना। अब हम फिर ऐसे ऑन कर देंगे, तो ऑन होने के बाद अब ये स्लाइडर काम करेगा। तो फ्रेंड्स ये बेसिकली एनालॉग और डिजिटल दोनों तरीके से हमने फैन को कंट्रोल किया है, जिसमें एनालॉग के लिए स्लाइडर यूज किया है, डिजिटल के लिए हमने बटन्स यूज किए हैं, और ये फैन है। तो फैन का हमने दोबारा में चला के आपको अगेन दिखा देता हूँ, अगर हम रेड करेंगे तो स्लाइडर से फैन मूवमेंट नहीं करेगा, अगर हम ग्रीन करते हैं तो अब ये मूवमेंट करेंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा फैन का एनिमेशन है। अगर हम बाहर से सिग्नल लाना चाहें तो हम बाहर से भी सिग्नल ला सकते हैं IO के थ्रू, ये इंटरनल मेमोरी से हमने बनाया है, तो ये एनालॉग का काम कर रहा है, बाहर से एनालॉग लाएंगे तो इस तरीके से एनालॉग आ जाएगा, डिजिटल में हमारा जो बटन है वो इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो ये थैंक यू वेरी मच, और बाकी आगे वीडियो हम अपडेट करते रहेंगे, आगे वीडियो वॉच करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके कमेंट्स जरूर डालें, ओके, थैंक यू वेरी मच।